आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डिगामा आया था हिंदुस्तान। इतिहास की चौपड़ी में, इतिहास की किताब में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की चौपड़ी में हमको ये बताया गया कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की, पर ऐसा लगता है कि जैसे वास्को डिगामा ने जब हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उसके पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। हजारों साल का ये देश है जो वास्को डिगामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में, तो इतिहास की चौपड़ी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की, भारत की खोज की? और मैं मानता हूं कि वो एकदम गलत है। वास्को डिगामा ने भारत की कोई खोज नहीं की, हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था। वास्को डिगामा यहां आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। वास्को डिगामा एक बहुत बहादुर नाविक था, बहादुर सेनापति था, बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था, ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई यह है कि पुर्तगाल का वो उस जमाने का डॉन था, माफिया था। जैसे आज के जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सारे माफिया किंग हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी, ऐसे ही बहुत सारे डॉन और माफिया किंग 15वीं शताब्दी में होते थे यूरोप में। और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था वहां दो देश बहुत ताकतवर थे उस जमाने में, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था। 1490 के आसपास से वास्को डिगामा पुर्तगाल में चोरी का काम, लुटेरे पने का काम, डकैती डालने का काम ये सब किया करता था। और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया।